आज नई दिल्ली से भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में विशेष सूत्रों से पता चला कि 250 कर्मचारी उस पर बैठे हुए हैं। कर्मचारी हैं, पैसेंजर हैं, ये नहीं पता था। वो बाद में पता चला कि जब बैठे हुए तो विशेष सूत्रों से पता चला। इसके बाद जो है स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल के माध्यम से बताया कि ये गाड़ी में स्थिति है, तो उन्होंने कहा ठीक है, RPF और GRP फोर्स को इकट्ठा कर गाड़ी रोक के उस गाड़ी को पैसेंजर उनको उतरा लिया जाए। उतारने के बाद जो इंक्वायरी की जाए। इसके बाद जब प्लेटफार्म पे गाड़ी आई, इस बार यात्रियों को उतारा गया, 250 यात्री थे उसमें। उतारने के बाद उनकी सारी जानकारी हुई तो पता चला कि वो रेलवे स्टाफ है। वो रेलवे स्टाफ क्या, वो जो अपने कैंटीन जो अपने पेंट्री कार स्टाफ है वो लोग थे। और इसके बाद जो सबको रेलवे डॉक्टर को बुलाया गया, रेलवे डॉक्टर आए यहाँ पर और उनके सबकी मेडिकल चेकअप किया गया। सबको जो है नेगेटिव पाया गया। इसके बाद सारी सूचना अपने मंडल कार्यालय DRM महोदय को बताया गया। DRM ने आदेश दिया कि ये लोग जहाँ रहने वाले हैं उनको गंतव्य स्टेशन भेज दिया गया।